हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? तो आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक कलर से ही पेंटिंग बनाने वाली हूँ। हाँ, आपने ठीक ही सुना है। तो आज के लिए मैंने ग्रीन कलर को ही चूज किया है। अब आप लोग यही सोच रहे कि इतने सारे कलर क्यों? अरे बाबा, ग्रीन कलर यहाँ पर मेन कलर है, लेकिन उसका जो ऊपर और नीचे का जो टोन या फिर शेड है वो भी होना तो जरूरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ब्राउन साइनाइड, ब्लैक, इन सभी कलर को मैंने थोड़ी थोड़ी सी यूज किया है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट करके फटाफट से कलर करना स्टार्ट कर दिया है। और इस जैसे पेंटिंग की और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइम येलो कलर की एक टोन लेयर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लाइम ग्रीन कलर को यूज़ किया है और उसको अच्छे से डैप डैप करके मैंने यहाँ पर टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ। इन जैसे झाड़ियों को क्रिएट करने की सबसे आसान तरीका, ब्रश को आप लोग डैप डैप करके यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इन जैसी इफ़ेक्ट नहीं आएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर वेरिडियन ह्यू का यूज़ किया है। तो थोड़ी सी और डार्क कलर के लिए मैंने उसके साथ थोड़ी सी रेड कलर को यूज़ किया है, मिक्स करके अप्लाई किया है यहाँ पर। और सेम प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, तो वही डैप डैप करके ही मैं यहाँ पर घास पत्ती जो भी है वो ही मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। और किसी भी एक कलर के सेम सेट को अप्लाई करके जब भी आप पेंटिंग बनाओगे तो उसको मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ग्रीन कलर की जो भी सेट है उस सेट को अप्लाई करके यहाँ पर ग्रीन कलर की मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर वेरिडियन कलर के साथ थोड़ी बहुत मैंने ब्लैक कलर को यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर डार्क पोर्शन बहुत ही ज़्यादा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर को यूज़ करके डार्क कलर को क्रिएट करके यहाँ पर अप्लाई किया है। मुझे जहाँ जहाँ पर भी डार्क कलर की ज़रूरत है मैं वहाँ पर ही इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ। चलो, तो अब मैं यहाँ पर कैमल का ब्राउन साइना कलर और ब्लैक कलर को मिक्स करके जो ट्री का ब्रांचेस है वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। दूसरी साइड में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करके मैंने ब्रांचेस को क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर व्हाइट के साथ थोड़ी सी येलो को मिक्स करके यहाँ पर हाईलाइट एरिया को मैं क्रिएट कर रही हूँ। चलो, तो आप बारी आती है सामने की जो पत्ते है उसको कंप्लीट करने की। पहले तो मैंने यहाँ पर सामने की जो पत्तियाँ है उसकी शेप की जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर डार्क और लाइट को समझकर कलर को अप्लाई करूँगी।
फ्रंट में जो पत्तियां है वो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर शेप को क्रिएट कर रही हूँ डार्क कलर से। तो मेरा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है पेंटिंग। आप लोगों को पेंटिंग कैसा लगा कमेंट करके बोलना ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट और भी एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।